नमस्कार, केवाई रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पनीर के पराठे। इसके लिए मैंने ये पनीर लिया है, 100 ग्राम पनीर होगा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा ब्लैक नमक डालती हूँ मैं, हींग थोड़ा सा एक चुटकी, ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, सूखा धनिया, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, आप सामग्री कम ज्यादा कर सकते हैं, धनिया हरा 2 स्पून। अब इसको मिक्स करते हैं सबको। मैं इसमें एक प्याज ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप करी हुई, आप अपने अनुसार डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें, इस जब भी आपको समझ में आएगी, नहीं तो ऐसी वीडियो समझ में नहीं आती है। हमने रोटी बेल ली है, अब इसमें 2 चम्मच पनीर रखते हैं, 2 स्पून। ये हमने इसका पेड़ा बना लिया है और हम इसको बेलेंगे। ये पराठा बेल गया है और हम इसको तवे पे डालते हैं, तवा गरम है। अब हम पराठे को पलट रहे हैं। ये पराठा बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों के लंच बॉक्स में, आप नाश्ते में कभी भी खा सकते हैं, बड़े छोटे सब खा सकते हैं। आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं और घी लगा के आप इसका पराठा भी बना सकते हैं। जो रोटी खाना चाहता है रोटी खा लेता है, जो पराठा खाना चाहे वो पराठा खा सकता है। दोनों चीज़ बन के तैयार हो जाती है। तवा गर्म हो गया है, अब मैं इस पर पराठा डाल रही हूँ। आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं और आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो। अब मैं इसमें घी लगा रही हूँ। मैं इसकी रोटी भी बनाऊँगी और इसका पराठा भी, दोनों चीज़ बनाऊँगी। देखिए हमारा कितना अच्छा पराठा बन गया है। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। हम ये रोटी डालते हैं, हम इसकी रोटी बनाएंगे। हम रोटी को पलटते हैं, हम इसको पलट के सेक लेते हैं। आप गैस पे भी सेक सकते हैं और ऐसे तवा पे भी सेक सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे अपना दोनों तरह से सेक सकते हैं। उलट पलट के दोनों साइड से हमें सेक लेनी है। गैस मीडियम रखनी है, तेज़ रखेंगे तो जल जाएगा। देखिए कितनी अच्छी रोटी सेक गई है। हम इसको गैस बंद करते हैं। इसी तरह से हमें सारी रोटी सेक लेनी है। रोटी और पराठा दोनों बनके तैयार हैं। दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, आप जिसके साथ चाहे वैसे खा सकते हैं। ये दोनों तैयार हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।